हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिज़ाइनर ब्लाउज में। तो चलिए शुरू करते हैं। 2.5 इंच गले की चौड़ाई है और 9.5 इंच गले की लंबाई है। ऐसे हम स्क्वायर बना देंगे। 2.5 इंच चौड़ाई लेकर और 9.5 इंच गले का माप लेकर ऐसे स्क्वायर बनाना है। अब यही माप हम कैनवास पर डालेंगे। कैनवास ज़रा एक्स्ट्रा ही लेना है क्योंकि हमें आगे डिज़ाइन बनाना है। इस तरीके से हमें चौड़ा कैनवास लेना है और जो हमने गले का माप डाला है वही माप हम यहाँ भी डालेंगे और फिर गले का जो हमें डिज़ाइन बनाना है उस टाइप से शेप देंगे। ये देखिए, इस तरीके से ऐसे शेप देना है हमें, जो हमें डिज़ाइन बनाना है उसका। एक ऊपर से हमें 1 इंच बाहर की तरफ से लेते हुए ऐसे नीचे से चौड़ा करते हुए ऐसे शेप देना है। ये देखिए, 1-1 इंच से हमें मार्किंग करना है। ऐसे 1-1 इंच पर मार्किंग करते जाना है ऐसे। और फिर ऐसे नीचे से शेप देना है। जो बीच वाला पार्ट है उसमें हम ग्रीन कलर डालेंगे, जो हमारा मेन फैब्रिक का जो कलर है ग्रीन कलर, वही हम बीच में डालेंगे और साइड में गोल्डन कलर डालेंगे। ऐसे हमें सब पूरा शेप देना है और फिर उसे एक एक पार्ट कट कर देना है। ये देखिए, मैं सब एक एक पार्ट अलग कर दूंगी। ऐसे हमें एक एक पार्ट अलग करते जाना है। सारे पार्ट हमें कटिंग कर देना है। कैनवास के सारे पार्ट हमने अलग कर दिए हैं, सबको ऊपर नीचे का हमें मार्किंग कर देना है कि वो उल्टा सीधा ना हो जाए, जैसा है वैसा ही रहे, इसलिए हमें ये मार्किंग कर रहे हैं इस तरीके से। अभी हम इसे सिलाई मार्जिन बढ़ाएंगे। हमें दूसरा कैनवास पेपर पर ये सिलाई मार्जिन बढ़ा के एक्स्ट्रा कटिंग करना है। जहाँ से हम सिलाई लगाने वाले हैं, जहाँ अंदर जाना है वहाँ सिलाई मार्जिन बढ़ाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से इस साइड से सिलाई में जाएगा तो यहाँ आप सिलाई मार्जिन बढ़ाएंगे ऐसे। और ये भी पार्ट हम कट कर देंगे। ये सिलाई मार्जिन बढ़ाया हुआ पार्ट हम कट कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमारे पार्ट रेडी हो गए। अभी हम इसे कॉन्ट्रास्ट कलर, जो भी हो ब्लाउज का कॉन्ट्रास्ट कलर, उस पर हम प्रेस करेंगे। ये देखिए, ये जो 2 पार्ट है ये हम येलो कलर पे प्रेस करेंगे, यही गोल्डन कलर पे, और जो बीच वाला पार्ट है वो हम ग्रीन कलर पे, जो ब्लाउज का कलर है वही ग्रीन कलर पे प्रेस करेंगे। ध्यान रहे उल्टा सीधा ना हो। जैसे हमने कट किया है वैसे ही रखते हुए हमें आगे भी कट करते जाना है, नहीं तो उल्टा सीधा हो जाएगा। ऐसे हमें ये गोल्डन कलर पे प्रेस कर देना है। ये देखिए, हमने प्रेस कर दिया है। ये देखिए, ये मैंने ग्रीन कलर पे प्रेस किया है। ये जो हमारा बैक साइड पार्ट है उसे हमें डायरेक्टली प्रेस करना है बैक साइड के पार्ट पर। अब हम ये ग्रीन कलर का पैच लेंगे। ये ग्रीन कलर का पैच को उल्टा सीधा कर देना है, जो डबल हमने जो कपड़े पे प्रेस किया था ऐसे, देखिए उल्टा सीधा कर देना है। और फिर हम इस पर सिलाई लगा के डिज़ाइन बनाएंगे और सामने से ऐसे सिलाई मार देनी है, जो ये अच्छे से, जो हमारा ग्रीन कलर का बीच वाला पार्ट है उस पर हम ऐसे डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए, हमें ऐसे अभी
चौक से ऐसे मार्किंग करना है, जहाँ जहाँ हमने हमको सिलाई लगानी है वहाँ हमें ऐसे चौक से मार्किंग कर देंगे, ऐसे पूरे डिज़ाइन पर ऐसे मार्किंग कर देना है और फिर उस पर हमें सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए पाव पाव इंच का गैप छोड़कर हमें ये डिज़ाइन का मार्किंग करना है। पाव पाव इंच छोड़कर हम ऐसे सिलाई का मार्किंग करेंगे और फिर इस पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए है हमारा सेंटर है, सेंटर पे मैंने मार्किंग किया है। ये देखिए अब इस पर पूरे पूरा जहाँ हमने मार्किंग किया है उस पर पूरे पर हम सिलाई लगाएंगे क्रीम कलर के धागे से, जो हमारा गोल्डन धागा है उससे ही। सेम मैचिंग धागा नहीं लेना है हमें, कॉन्ट्रास्ट धागे से ही सिलाई लगानी है। एकदम मैचिंग लेंगे तो वो दिखेगा नहीं। ऐसे देखिए सिलाई मार्क होगी। ये देखिए हमें जो कैनवास था हमारा उसके आगे ही सिलाई मार्जिन के लिए है, जो आगे का जो भी कपड़ा है उस पर हम ऐसा मार्किंग कर देंगे जहाँ से हमें सिलाई लगानी है। ये मार्किंग कर दिया हमने, अभी जहाँ यहीं से हमें मार्किंग किए हुए कपड़े पर सिलाई लगानी है। अब ये जो हमारा साइड के जो पट्टी है गोल्डन कलर की उसे भी हम पलटी कर देंगे, एक साइड से सिल के हमें उसे पलटी कर देना है जो साइड बाहर की तरफ है। ये देखिए इस तरीके से, और ऊपर की तरफ से उस पर सिलाई लगा देनी है, ऐसे पलटी करके ऊपर की तरफ से उस पर सिलाई लगाना है और फिर वो जो हमारा ग्रीन पार्ट है उस पर रख के हमें इसे सिल देना है, सब जोड़ देना है। ये देखिए ऐसे ये हमारे चारों पार्ट तैयार रेडी हो गए। अभी जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसका मार्किंग हम लोग कर देंगे, कितना मार्जिन लेना है वो एक्स्ट्रा मार्किंग कर देंगे और फिर इस पर एक एक करके सब जोड़ देंगे। इस तरीके से जो हमने कैनवास पर कट किया था वही कैनवास हमें रखकर इस पर मार्किंग करना है, सिलाई मार्जिन का जितना भी मार्किंग है उसी पर हमें सिलाई लगानी है। सारे पार्ट पर हमें इसे मार्किंग कर देंगे। ये देखिए बीच वाला पार्ट बीच में रखकर जो साइड का पार्ट है पहले वो लगाएंगे और फिर वो जो पट्टी वाला है वो पट्टी लगाएंगे। ये ऐसे एक एक करके सारे पार्ट हमें जोड़ देने हैं। ये देखिए सारे पार्ट जोड़ गए हैं, यह हमारा डिज़ाइन रेडी है। अभी हम इसे बैक पार्ट, पहले बैक पार्ट तैयार करेंगे। जो हमने प्रेस किया था बैक पार्ट पर उसे ऐसे सील देना है और फिर पलटी कर देना है। डायरेक्टली हमें बैक पार्ट पर ही प्रेस करना है और फिर ऐसे कट्स मार के उसके सील के उल्टा कर देना है, पलटी कर देना है, तो हमारा बैक पार्ट रेडी हो जाएगा। आप दूसरे कपड़े पर भी प्रेस कर सकते हैं क्योंकि ये कड़क कपड़ा है तो इस पर हम डायरेक्ट भी प्रेस कर सकते हैं, या आप दूसरा कोई कपड़ा लेकर उस पर भी प्रेस करके ये कैनवास का गला बना सकते हैं। देखिए इसे हमें पलटी कर सामने के साइड से सिलाई मार देनी है और ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो जाएगा, फिर हम उस पर वो डिज़ाइन पूरा लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से सामने से सिलाई मारनी है और फिर जो हमारा सिलाई मार्जिन का हमने मार्किंग किया है उस पर ही हमारा बैक पार्ट ऐसे सेट करके हमें सिलाई लगा देनी है। जो हमने मार्किंग किया हुआ है उस मार्किंग पर ही हमें ना हमारा बैक पार्ट पकड़ के ऐसे सिलाई लगाना है। ये देखिए जहाँ हमने मार्किंग किया था वहाँ हम ठीक से पकड़ कर ऐसे सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से इस
से हमें धीरे धीरे सिल देना है। ये हमारा ब्लाउज पूरा रेडी है। हम इसमें अब हम मोती डालेंगे। सुई धागे की मदद से जो हमने स्क्वायर बने हैं जो सेंटर में, उस एक एक स्क्वायर में एक एक मोती हमें डालना है। सुई धागे से हमें एक एक मोती ऐसे सील देना है। ये देखिए इस तरीके से एक एक मोती हमें एक एक स्क्वायर में डालते जाना है। देखिए सारे ऐसे सारे स्क्वायर में हम मोती डाल देंगे। ये देखिए हमारा ब्यूटीफुल ब्लाउज रेडी है। देंगे ये देखिए हमारा ब्यूटीफुल ब्लाउज रेडी है। तो फ्रेंड्स, मेरा डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू फ्रेंड्स।